दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 1940 के दशक में कई अभिनेता आए जो अपनी अच्छी शक्ल सूरत रंग की वजह से हीरो तो बने, लेकिन उन्हें कभी भी इतनी सफलता नहीं मिली जिसके वो हकदार रहे। और फिर वक्त रहते उन्होंने अपने हुनर को और तराशा और पाया कि वो हीरो के बजाय अगर चरित्र भूमिका या नकारात्मक भूमिका करें तो शायद उन्हें ज्यादा सफलता मिले। ऐसे ही एक कलाकार रहे कमल कपूर साहब, जिनकी खूबसूरत हरी आंखों ने लोगों को काफी लुभाया। आपको शायद अमिताभ बच्चन साहब की 1978 की फिल्म डॉन का विलन नारंग जरूर याद होगा, जिसकी हरी आंखों वाले खलनायक नारंग को पर्दे पर देखकर दर्शक भी दहल जाते थे। नारंग का वह दमदार किरदार एक्टर कमल कपूर साहब ने ही निभाया था। कमल कपूर साहब की हरी आंखें और साफ रंग उन्हें ब्रिटिश या नाजी खलनायक की तरह दिखाती थी। कमल कपूर साहब पृथ्वीराज कपूर साहब के चचेरे भाई भी थे। कमल कपूर साहब ने हिंदी, पंजाबी और गुजराती भाषाओं में 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनके उल्लेखनीय किरदारों में डॉन, गोरा और काला और मर्द जैसी फिल्में शामिल हैं, जहां मर्द फिल्म में उन्होंने जनरल डायर की भूमिका भी निभाई थी। 22 फरवरी 1920 को पेशावर में जन्मे कमल कपूर साहब ने अपनी शिक्षा लाहौर में पूरी की। उनका पूरा नाम कमल किशोर कपूर था। उन्होंने 40 और 50 के दशक में हीरो के रोल से हिंदी सिनेमा में अपने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन 60 के दशक में वे विलन बनकर स्टार बने थे। एक बार तो ऐसी स्थिति भी आ गई थी कि लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के कारण कमल कपूर साहब सड़क पर आ गए थे और उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ गई थी। उस समय कमल कपूर साहब ने फिल्मी पर्दे पर विलन बनने का आखिरी दांव चला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1944 में पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ उनके थिएटर में काम करके की थी। कमल कपूर साहब की पहली फिल्म 1946 की दूर चलें थी। दुर्गा पिक्चर्स के बैनर तली इस फिल्म का निर्देशन फणी मजूमदार साहब ने किया था और संगीतकार केसी डे थे, जबकि मुख्य जोड़ी कमल कपूर साहब और नसीम जी की थी। कमल कपूर साहब ने 1948 की सुपरहिट फिल्म आग में राज कपूर साहब के पिता की भूमिका भी निभाई, जो निर्माता निर्देशक के रूप में राज कपूर साहब की पहली फिल्म भी थी। बाद में उन्हें इसी तरह की भूमिकाएं निभाने के कई प्रस्ताव मिले, जिन्हें करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कमल कपूर साहब ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक्टिंग में आएंगे। लाहौर से पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कमल कपूर साहब ने बड़े भाई के पास सेंट्रल प्रोविंस जाने का फैसला कर लिया। उनके बड़े भाई वहां एक पुलिस अधिकारी थे, लेकिन किस्मत कमल कपूर साहब को बॉम्बे ले आई। यहां कमल कपूर साहब के चचेरे भाई पृथ्वीराज कपूर जी पहले से ही फिल्मों और थिएटर की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुके थे। पृथ्वीराज कपूर साहब ने कमल कपूर जी को फिल्मी दुनिया में कदम जमाने में बहुत मदद की। पृथ्वीराज कपूर साहब ने जब पृथ्वी थिएटर की शुरुआत की तो उसके पहले नाटक दीवार में कमल कपूर जी को काम दिया। यह एक अंग्रेज का रोल था। यहीं से कमल कपूर साहब की एक्टिंग की शुरुआत हुई। जैसा कि हमने जिक्र किया कि कमल कपूर साहब ने 1946 में फिल्म दूर चले से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद वह फिल्म आग में राज कपूर साहब के पिता के किरदार में भी दिखे। कमल कपूर साहब ने करियर की शुरुआत में करीब 21 फिल्मों में हीरो का किरदार निभाया, जैसे 1947 की हातिमताई, 1947 की ही फिल्म डाक बंगला जिसमें वो सुरैया जी के साथ नजर आए थे, 1948 में परदेसी मेहमान, 1952 में इंसान, 1952 में ही श्यामा जी के साथ जग्गू और 1954 में गीता बाली जी के साथ अमीर। लेकिन इनमें से जग्गू के अलावा एक भी फिल्म नहीं चली। बताया जाता है कि कमल कपूर साहब इससे काफी निराश हो गए थे। कमल कपूर साहब हीरो बनना चाहते थे, पर हीरो के रूप में फिल्में पिट रही थीं। वहीं कैरेक्टर रोल में उन्हें पसंद किया जा रहा था। आग में राज कपूर साहब के पिता के रोल में कमल कपूर साहब को खूब पसंद किया गया। कमल कपूर साहब ने एक बार एक साक्षात्कार में बताया था कि उनका करियर दिशाहीन हो गया था।
कुछ समझ नहीं आ रहा था जब फिल्में एक एक करके फ्लॉप होने लगीं, तो कमल कपूर साहब ने खुद ही फिल्म बनाने का फैसला किया। साल 1951 में कमल कपूर साहब ने कश्मीर नाम से फिल्म बनाई, पर वह नहीं चली। इसके बाद 1954 में कपूर साहब ने एक बार फिर हिम्मत बटोर कर खैबर नाम से फिल्म बनाई, पर यह फिल्म इतनी बुरी तरह पिटी के कमल कपूर साहब की हालत बहुत बुरी हो गई और वो सड़क पर आ गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी। जहाँ पहले कमल कपूर साहब को हीरो के किरदार मिल रहे थे, उनके साथ ही छोटे मोटे रोल मिलना भी बंद हो गए। कमल कपूर साहब ने बताया कि वह करीब 9 साल तक घर पर खाली बैठे रहे। हालांकि बीच में 1958 में फिल्म आखिरी दांव में नकारात्मक भूमिका में नजर आए, जो कि नेगेटिव रोल में उनकी पहली फिल्म भी थी। जब कुछ नहीं सूझा, तब कमल कपूर साहब ने विलन बनने का फैसला किया। सोचा कि शायद कुछ बात बन जाए। इस तरह कमल कपूर साहब ने 60 के दशक में फिल्मी पर्दे पर विलन और खलनायक वाले किरदार करने शुरू कर दिए। खलनायक बनकर कमल कपूर साहब चमक उठे। कमल कपूर साहब के मुताबिक उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय निर्माता निर्देशक यश जौहर साहब को दिया। उनके मुताबिक यश जौहर साहब ने उनको ब्रिटिश ऑफिसर की भूमिका में उनको पृथ्वी थिएटर के प्ले दीवार में देखा था और आईएस जौहर साहब को मेन विलन के लिए उनका नाम सुझाया था। बतौर विलन वे पहली बार 1965 में आई फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में नजर आए। इस फिल्म के बाद कमल कपूर के दिन फिर गए। फिल्म में वह एक अंग्रेज विलन के किरदार में दिखे। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और इस तरह कमल कपूर साहब के बुरे वक्त का अंत हो गया। इस फिल्म के बाद तो कपूर साहब के पास ढेरों फिल्मों के ऑफर आने लगे। जल्द ही उनके पास काम की बाढ़ भी आ गई और उन्हें जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग, जब जब फूल खिले, राजा और रंग, दस्तक, पाकीजा जैसी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने की पेशकश की गई। इसके अलावा चोर मचाए शोर, फाइव राइफल्स, दो जासूस, दीवार, खेल खेल में, मर्द और तूफान में भी वो नजर आए। 1967 में रिलीज दीवाना में उन्हें एक बार फिर राज कपूर साहब के पिता की भूमिका निभाने का मौका मिला। उन्होंने हर तरह के छोटे बड़े किरदार किए और अपनी अलग पहचान बना ली। कमल कपूर साहब ने कभी वकील, तो कभी हीरो के दोस्त, तो कभी बॉस, गुंडे और जज के छोटे मोटे रोल भी किए। उन्होंने रागिनी जी से लेकर हुस्न बानो जी, वनमाला जी, श्यामा जी और गीता बाली जी जैसी कई नामी हीरोइनों के साथ भी खूब काम किया। कमल कपूर साहब के अनुसार जब जब फूल खिले और डॉन में निभाए हुए उनके किरदार उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे। 1945 में कमल कपूर साहब ने सुमन देवी जी से शादी की थी। कमल कपूर जी 3 बेटे और 2 बेटियों के पिता रहे। कमल कपूर साहब के छोटे दामाद रमेश बहल साहब एक प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक थे, जिन्होंने 1970 में द ट्रेन, 1972 में जवानी दीवानी, 1978 में कस्मे वादे, 1981 में बसेरा, 1983 की फिल्म पुकार और 1991 की फिल्म इंद्रजीत जैसी एक दर्जन फिल्में बनाईं। रमेश बहल साहब का एक बेटा और बेटी हैं। रमेश बहल साहब के बेटे गोल्डी बहल की शादी मशहूर अदाकारा सोनाली बेंद्रे जी से हुई। कमल कपूर साहब के भाई रविंद्र कपूर जी ने भी कई फिल्मों में चरित्र, हास्य और नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। पृथ्वीराज कपूर साहब कमल कपूर जी की मौसी के बेटे थे और इस नाते वह उनके पहले चचेरे भाई लगते थे। कमल कपूर साहब ने याद करते हुए एक बार कहा, एक बार जब मैं और मेरी पत्नी फिल्म जब जब फूल खिले के जुबली समारोह से घर जा रहे थे, तब तक बहुत रात हो चुकी थी। फिल्म के लिए मुझे जो ट्रॉफी मिली थी वह हमारे ले जाने के लिए बहुत भारी थी। पृथ्वीराज कपूर जी ने हमें लिफ्ट दी और अपनी कार में घर पहुंचने में मदद भी की। उस दिन मुझे अपनी कार की बहुत याद आई, जिसे मुझे 1954 की फिल्म खैबर की विफलता के कारण बेचना पड़ा था। इसलिए मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन वह था जब मैंने 1966 में एक नई कार खरीदी। 1975 की अमर फिल्म दीवार में मेरी एक सीन की भूमिका थी, लेकिन इसे बहुत सराहा गया। बैंगलोर में मुझसे मिलने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने मेरी कार का पीछा किया। 1993 में रिलीज हुई जख्मी रूह कमल कपूर साहब की आखिरी फिल्म थी,
जिसके बाद उन्होंने अभिनय को अपनी नासाज सेहत की वजह से अलविदा कह दिया। हिंदी सिनेमा को 50 अच्छे साल समर्पित करने वाले अभिनेता कमल कपूर साहब का 90 साल की उम्र में 2 अगस्त 2010 को मुंबई में निधन हो गया। दोस्तों, आप भी एक्टर कमल कपूर साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कमल कपूर साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन WhatsApp कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।